हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज 4 मई 2021 है और आज के इस वीडियो में हम 4 मई के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इज इम्पोर्टेंट कि 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या फिर वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों से खबरें जनता के सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में जो पत्रकार डालते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है, उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कौन सा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है, इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या है इसकी थीम, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड इसकी थीम है। किसकी है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। और संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की है। कब इसकी स्थापना की गई है, तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और वीडियो को पॉज करके या कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी हमें जरूर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं इस कंटेंट से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी रविशंकर आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर होंगे, वह निम्न में से किसका स्थान लेंगे, यानी कि टी रविशंकर विल बी द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ही विल रिप्लेस हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, ये हम सभी जानते हैं, और आरबीआई के कौन से डेप्यूटी गवर्नर का स्थान लेंगे जो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बीपी कारुंगो जो है वो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पे आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं, वो बने हैं टी रविशंकर, बने हैं आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हैं टी रविशंकर। तो आरबीआई के कार्यकारी डायरेक्टर टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के 4th डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। तो अदर जो है एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन, ये 4 अभी वर्तमान में डेप्यूटी गवर्नर हैं। ये 3 और टी रविशंकर को मिला के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। और कौन कौन से हैं वो 4 डेप्यूटी गवर्नर, वो है एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन एंड इंक्लूडेड टी रविशंकर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। एंड 1 गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में, वो है शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर, वह बीपी कानूनगो के डेप्यूटी गवर्नर का स्थान लेंगे। जो बीपी कानूनगो हैं वो अपने पद से उन्होंने वो रिटायर हो चुके हैं। और कब हुए हैं वो रिटायर, 2 अप्रैल को रिटायर हुए हैं बीपी कानूनगो और उनके बाद टी रविशंकर बने हैं नए डेप्यूटी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। रिसेंटली पंडित देवव्रत चौधरी पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस डैश, तो वो एक फेमस सितार वादक थे। इनका नाम क्या था, पंडित देवव्रत चौधरी जो थे वो एक फेमस सितार वादक थे। ये हैं पंडित देवव्रत चौधरी। तो पंडित देवव्रत चौधरी का COVID-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। द लेजेंड ऑफ सितार संगीत के सोरिया या घराना शैली के थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह एक शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने 6 किताबें लिखी थी और कई नए रागों की रचना भी की थी। किसने की थी, पंडित देवव्रत चौधरी ने।
नेक्स्ट है, देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, यानी कि विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू एड्रेस द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री। तो भारतीय नौसेना की बात हो रही है, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड की जो ऑपरेशन है इसको लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है, तो देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड शुरू किया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड के एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाजों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे जितने भी क्रायोजेनिक कंटेनर और जो उससे भी संबंधित जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। किसको? ऑपरेशन समुद्र सेतु के साथ 7 भारतीय नौसैनिक जहाजों को। और ये कौन कौन से जो उसके युद्धपोत हैं, कौन कौन से हैं, ये कोलकाता, कोची, तलवार, तबा, त्रिकर्ण, जलास्वा और एरावत हैं। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में नौसेना स्टाफ, नौसेना स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो अभी हमारे वर्तमान में नौसेना के स्टाफ के प्रमुख हैं। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, श्यामला गणेश को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। किसको? श्यामला गणेश को, यानी कि श्यामला गणेश हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय विच कंट्री। तो उनको अभी जापान देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस चीज से? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। किसको? श्यामला गणेश को। तो जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित जो जापानी शिक्षिका है उनका नाम है श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वह सेप्टुजेनियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और आर डी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओवर स्कूल में भी कार्यरत हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं श्यामला गणेश और इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है जापान के द्वारा। इन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है और इकेबाना जापानी स्कूलों की व्यवस्था की एक कला है। बात कर लेते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी जापानी येन, प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा है प्रधानमंत्री जापान के। तो इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से श्यामला गणेश को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो जापान के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना के लिए सहमत हुआ है रिसेंटली, इससे पहले की कुछ भी अभी जो रिसेंटली किस देश के साथ, अभी हाल ही में किस देश के साथ भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना के लिए सहमत हुआ है। इंडिया हैज एग्रीड टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स विद विच कंट्री। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? रसिया के साथ। भारत अभी रसिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना के लिए सहमत हुआ है। और इससे पहले वो किस देशों के साथ इसमें इस संवाद की स्थापना कर चुका है हमारा देश भारत, तो इससे पहले भारत अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना कर चुका है और अभी वर्तमान में रसिया के साथ किया है। तो भारत और रूस दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। रूस चौथा देश और पहला गैर क्वाड मेंबर कंट्री है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र की स्थापना की है। तो चौथा देश है रूस, ये याद रखना है। इससे पहले कौन से देश थे? इससे पहले थे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा तंत्र है जिससे भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो अभी रिसेंटली भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना के लिए किसके साथ सहमत हुआ है? रशिया के साथ, रूस के साथ। और इससे पहले किसके साथ हो चुका है? तो अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। रूस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रूसी रूबल और राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। नेक्स्ट है, तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है? विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी। तो तीसरी सबसे बड़ी भारतीय कंपनी बन चुकी है विप्रो। विप्रो किसको पछाड़ कर बनी है?
तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी वो बनी है एससीएल टेक को पछाड़कर। तो विप्रो ने एससीएल टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.62 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी के रूप में अपना स्थान बनाया है। किसने बनाया है? विप्रो ने बनाया है। और किसको पछाड़कर? एससीएल टेक्नोलॉजी को पछाड़कर। और टीसीएस जो है वो 11.52 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ इंफोसिस के बाद इस सूची में सबसे ऊपर है। इंफोसिस के बाद कौन सी है? टीसीएस है। और विप्रो ने 2040 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस जीएसडी उत्सर्जन से प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा भी की है। बात कर लेते हैं विप्रो की। तो विप्रो के चेयरमैन कौन है? विप्रो के चेयरमैन है रिशद प्रेम जी। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कौन है? अजीम हसन प्रेम जी। और विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। विप्रो के एमडी और सीईओ कौन है? थियरी डेला पोर्टे। कौन है? थियरी डेला पोर्टे एमडी और सीईओ हैं किसके? विप्रो के। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है, यानी कि द प्रोजेक्ट नेम ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हैज बीन स्टार्टेड बाय। तो ये शुरू की गई है आनंद महिंद्रा के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद महिंद्रा के द्वारा प्रोजेक्ट है। किसका नाम क्या है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये शुरू किया गया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन का परिवहन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन के परिवहन को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है। किसने शुरू की है? आनंद महिंद्रा ने शुरू की है। तो जो देश में कोरोना की दूसरी लहर है उसे बढ़ती ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उस कमी को कम करने के लिए या दूर करने के लिए ऑक्सीजन परिवहन संयंत्रों से अस्पताल और घरों तक ऑक्सीजन परिवहन को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया है आनंद महिंद्रा ने। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के उत्पादन और इसके परिवहन के बीच की खाई को कम करेगा। महिंद्रा ने ऑक्सीजन उत्पादों को अस्पतालों और घरों से जोड़ने के लिए लगभग 70 बोलेरो पिकअप ट्रकों को ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित करने के लिए तैयार किया है। यह परियोजना महिंद्रा लॉजिस्टिक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ कौन है? पवन कुमार गोयनका जो है वो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं। और महिंद्रा ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1945 को महिंद्रा ग्रुप की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे, यानी कि रिसेंटली विक्रमजीत कंवर पाल पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस। तो वो एक अभिनेता थे, इनका नाम था विक्रमजीत कंवर पाल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है लेट एक्टर विक्रमजीत कंवर पाल। तो अभिनेता विक्रमजीत कंवर पाल जो कई फिल्मों टीवी शो और वेब सीरीज में एक लोकप्रिय चरित्र रहे हैं उनके कोविड 19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। अभिनेता ने अनिल कपूर की श्रृंखला 24 और वेब सीरीज स्पेशल ओपीएस में एक नवीनतम रूप में देखा गया था। तो वो एक फेमस एक्टर थे, उनका नाम था विक्रमजीत कंवर पाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व टूना डे मनाया जाता है 2 मई को। कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस या वर्ल्ड टूना डे। तो विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। ये 2017 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। इसकी हिस्ट्री क्या है विश्व टूना डे की? तो विश्व टूना दिवस का इतिहास है कि विश्व टूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को ग्रहण कर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। और इसका उद्देश्य यह है कि संरक्षण प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना और यह सुनिश्चित करना था कि टूना स्टॉक को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। पहली बार 2 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्व टूना दिवस मनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि विश्व टूना दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 2 मई 2017 को
इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व टूना दिवस मनाया गया है 2 मई 2017 को, और तब से लगातार विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। किसलिए मनाया जाता है विश्व टूना दिवस? तो ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। टूना मछली मछली है, उसके महत्व के बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। और पहली बार मनाया गया था 2 मई 2017 को, तब से ये हर साल 2 मई को मनाया जाता है। हमारे आज के वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीत हासिल की है? हु हैज वॉन द पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स? तो किससे जीत हासिल की है ये क्वेश्चन में है पूछा गया है। ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं कि सर्जियो पेरेज, मैक्स वेरस्टैपन, वाल्टेरी बोटास और लुइस हैमिल्टन। तो जो भी आंसर सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है, और अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए, तो आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको डेली अच्छे इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन और डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।